It is neither vector nor scalar, but a tensor quantity. It is neither vector nor scalar, but a tensor quantity. क्योंकि देखिए आप ये देखेंगे कि ये ना वेक्टर है ना स्केलर है. जैसे हमने बताया कि ऐसा क्या हो सकता है, अभी तक आप पढ़े हैं कि द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन इज ए स्केलर. और यहां पर आप देख रहे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर भी नहीं है. सबसे बड़ी बात है कि वेक्टर तो नहीं है क्योंकि डायरेक्शन नहीं एसोसिएटेड है, इसको आप बड़े आराम से कर सकते हैं. बट वाई इट इज नॉट स्केलर, राइट? अब ये एक चीज यहां पर हम आपको थोड़ा सा समझाना चाहेंगे कि नॉर्मली बच्चे डिफाइन करते हैं स्केलर को कि द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग मैग्नीट्यूड ओनली एंड नो डायरेक्शन इज कॉल्ड स्केलर. बट दिस इज नॉट द एप्रोप्रिएट डिफिनीशन, राइट? स्केलर के लिए आपको ये चाहिए कि कोई बॉडी है, कोई भी बॉडी है, उसका जो फिजिकल क्वांटिटी है वो कॉन्स्टेंट होनी चाहिए. जैसे सपोज हम ये कहते हैं कि मास ऑफ दिस बॉडी इज स्केलर. तो अगर ये स्केच पेज है, इसका मास सपोज इट इज 20 ग्राम, तो ये 20 ग्राम हम किसी भी बैलेंस से इसका मास ये करें, चाहे ये फिजिकल बैलेंस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस हो, चाहे सब्जी में तोलने वाला बैलेंस हो, किसी भी बैलेंस से अगर इसका हम मास कैलकुलेट करेंगे तो इट इज ऑलवेज 20 ग्राम. जो इसका मास रहेगा इन ऑल द केसेस इट विल बी सेम. अगर मास इसका 20 ग्राम है तो ऑल द टाइम इट इज 20 ग्राम, राइट? चाहे किसी भी बैलेंस का यूज करें तब कहेंगे कि मास इज ए स्केलर क्वांटिटी. लेकिन अगर मास को ही हम ये करें कि अगर एक बैलेंस से इसका मास ले रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, दूसरे बैलेंस से मास ले रहे हैं, फिजिकल बैलेंस से मास ले रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस से मास कुछ अलग आ रहा है, डिजिटल बैलेंस से मास ले रहे हैं तो कुछ अलग आ रहा है, तो मास स्केलर नहीं होगी. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में देखिए आप एक चीज बहुत आराम से आगे पढ़ेंगे. मोमेंट ऑफ इनर्शिया में बहुत आप आगे पढ़ेंगे एक चीज कि अगर ये कोई भी बॉडी है, सपोज ये बॉडी है, राइट? इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस एक्सिस के अबाउट, सपोज इट इज I1, अगर इस एक्सिस के अबाउट इसको हम रोटेट करते हैं तो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया I1 है. नाउ अगर एक्सिस ऑफ रोटेशन हम ये कर दिए, दिस इज द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो यहां पर इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी. आप आगे पढ़ेंगे क्यों चेंज होती है. नाउ एक्सिस अगर बाहर कर दें तो इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया चेंज हो जाएगी. नाउ यही एक बॉडी है, एक ही बॉडी है, और एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एन एक्सटर्नल पैरामीटर, क्योंकि वो बॉडी के साथ एसोसिएटेड नहीं है, तो उस एक्सटर्नल पैरामीटर के चलते इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, मैग्नीट्यूड है, जो इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैग्नीट्यूड है, वो चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू द एक्सिस. और इसलिए एक ही बॉडी का जिसका कंपोजिशन एकदम एक जैसा है, एक्सिस ऑफ रोटेशन चेंज होने से, क्योंकि ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया वैरी कर रहा है, केवल एक्सिस ऑफ रोटेशन जो एक एक्सटर्नल पैरामीटर है, इसलिए कभी भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया स्केलर नहीं हो सकता, क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमेशा कॉन्स्टेंट होता तभी ये स्केलर होता, राइट? तो ये स्केलर नहीं है. और वेक्टर तो इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है, इसमें डायरेक्शन एसोसिएटेड नहीं है इसलिए वेक्टर नहीं है, राइट? तो इस चीज को हम लोग देखे हैं कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी इसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड नहीं है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पर वैरी करता है, देयरफॉर इट इज नॉट स्केलर, एंड सिंस डायरेक्शन इज नॉट एसोसिएटेड, हेंस इट इज नॉट ए वेक्टर.